गाजर का हलवा तो आप लोग बहुत खाए होंगे कई तरीकों से, तो आज मैं बनाऊंगी गाजर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम गाजर इसका छिलका उतार के और इसको हमने अच्छे से दो बार पानी में धो के ले ली हूँ। तो अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे और जितना भी गाजर है सबको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो लीजिए सभी गाजर को हमने कट कर लिया है और मैं यहाँ पे गोल शेप में कट की हूँ गाजर को। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारा गरम है तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी और इसको हम अच्छे से गरम होने देंगे। और घी जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर को। तो गाजर को मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक इसी में भून लेंगे और जैसे ही ये भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे दूध, मिल्क डाल देंगे। मैं यहाँ पे 600 ग्राम मलाईदार दूध डाल रही हूँ और आप चाहें तो 600 ग्राम दूध की जगह 1 लीटर भी दूध डाल सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे। ढक के गाढ़ा होने तक इसको पका लेंगे। तो लीजिए ये कुछ गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं दूध हमारा बिल्कुल आधा हो गया है जल के और गाजर भी अच्छे से पक गया है और ये बिल्कुल गल गया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पक गया है। लेकिन फिर से इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक ये सूखा ना हो जाए, तब तक इसको हम पकाएंगे। तो हमने इसे फिर से ढक दिया है, 1 से 2 मिनट और लगेगा। तो लीजिए ये गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप और थोड़ा सा और चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ ही में हमने इसमें डाल लिया है थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो बस इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और करछी से इस तरीके से दबाते हुए इसको हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैसर है तो आप उससे मैश कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो हम करछी या ग्लास की मदद से इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। और इस रेसिपी को अगर आप कद्दूकस करके बनाएंगे तो मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब इसको हम ग्लास से मैश कर लेते हैं। अभी मैश हो गया है तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे बिल्कुल सूखा होने तक। बिल्कुल इसे जला के ड्राई कर लेना है। तो करछी से इस तरीके से चलाते हुए इसको हम सूखा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लीजिए बिल्कुल सूखा हो गया है तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी थाली में। मैं यहाँ पे थाली में घी पहले से ग्रीस कर ली थी तो इसको इसी में हम रख देंगे और स्पैचुला से इसको हम अच्छे से दबाते हुए इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो गाजर का हलवा हमारा आधा किलो का ये बना है। अगर आप 1 किलो या उससे ज़्यादा बनाएंगे तो पूरी थाली में आ जाएगी। तो ये आधी थाली में ही आई है। तो चलिए अभी अच्छे से सेट हो गया है तो इसको हम रख देंगे साइड में और एक और स्टफिंग हम तैयार करेंगे इसके लिए। तो पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम मिल्क और इसको भी हम जला के बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। तो लगातार इसको स्पैचुले से इस तरीके से चलाते मिलाते हुए इसको गाढ़ा करना है, नहीं तो नीचे पकड़ भी लेगा और इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आधा मिल्क हमारा जल गया है और
इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। इससे ये रबड़ी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये रबड़ी नहीं है, इसको बस हम गाजर के ऊपर डालेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल ली हूँ 1 कप चीनी। और ये हो गई थोड़ी सी इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसको हम अच्छे से चलाते मिलाते हुए और भी गाढ़ा कर लेंगे। तो लीजिए ये एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसको भी हम गाजर के ऊपर रख देंगे और अच्छे से इसी पे फैला देंगे। स्पैचुले से इस तरीके से दबा दबा के इसको इस तरीके से फैला देना है इसी पे। और इसके बाद इस पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे पतले पतले पीसेस में बादाम कट करके रख ली थी, तो इसको हम इसी के ऊपर डेकोरेट कर देंगे अच्छे से। और फिर से स्पैचुला से इसको हम दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये सेट हो जाए। और इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, इस समय तो ठंड है, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब ये अच्छे से सेट हो गया है तो इसको हम चाकू से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। गाजर के हलवा से भी ये परफेक्ट है, तो इसे ज़रूर बनाएं। तो लीजिए अब ये कट गया है तो इसको हम निकालेंगे दूसरे प्लेट में। और इस तरीके से पलटी से इसको हम नीचे से उभार देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।